हेलो दोस्तों। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है पबजी लाइट का एक नया गेम प्ले डालने को मौका मिला। हालांकि इसमें चिकन मिला लेकिन चिकन मिलते मिलते भाई कितना ही कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बस देखते जाओ भाई। तो आज जो है हम उतरे थे स्कूल अपार्टमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा बंदे उतरते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं उतरे। हालांकि यहाँ का एक बोलूँ तो बिजी एरिया होता है स्कूल और दूसरे स्कूल अपार्टमेंट्स, लेकिन आज तो उतरे नहीं। तो कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पे हमारा लूट वूट इकट्ठा किया ढूंढे कि कुछ मिल जाए, लेकिन उजी और VSS नाम की दो चिंदी मुंदी गन्स मिली थी, जो कि भाई दोनों का कॉम्बो किसी काम का नहीं होता। मटर मटर दाने वाली गन ना पुट 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 करके जो निकालती है भाई, जिसको चलानी आती है नो डाउट वो चला लेगा बढ़िया तरीके से, बट हम जैसे लोग जो होते हैं ना जिनको AR ज़्यादा समझ में आती है और ये जैसी चीज़ें नहीं, उनके लिए भाई वो मटर दाने वाली गन पुट पुट के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। खैर जो भी है, यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आने लग गए और तभी एक बंदा भी दिख गया। मुझे लगा वो बंदा इस तरफ से कूद कर अंदर की तरफ आएगा, तो मैं सोचा कि यहाँ से धप्पा दूंगा उसको, लेकिन वो लौंडा तो यार फ्रंट गेट से घुसा। तो भाई हम भी उसके पीछे पीछे घुसे, और तभी ये लौंडा गैस कैन देख रहा था, ये बॉट था या क्या था कुछ पता नहीं, लेकिन भाई ऐसे लोग ना बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि भरपूर लूट लेकर आते हैं हमारे लिए। तो थैंक यू बॉट फॉर दिस। नहीं बट भाई रियली यार बॉट्स काफ़ी समझदार तो नहीं होते, बट काफ़ी फायदेमंद ज़रूर होते हैं, अच्छा अच्छा लूट लेकर आ जाते कभी कभी ऐसे सिचुएशन में जब कुछ नहीं मिलता। और तभी भाई हमारे इताची भाई पहुंच गए थे मिलिट्री बेस, यहाँ पे कुछ पायलट एरिया करके कुछ बोलते, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो ये वो लौंडा जाके मिलिट्री बेस में लाशें बिछाना चालू कर दिए, मतलब यह भी नहीं कि डुओ में है साथ चले, नहीं भाई हम अपने मौज में बाकी सब फौज में। खैर जो भी है, ये बंदा एक के बाद एक किल निकालने जा रहा था और मैं उसे भाग कर उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था एज सून एज पॉसिबल, लेकिन जब तक मैं गया ना देखते जाओ कितनी लाशें बिछी थी। हालांकि रास्ते में जाते 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 एक बॉट मिल गया या एक बंदा मिल गया या क्या मिल गया पता नहीं, इसका के था या पता नहीं क्या सीन था, इस बेचारे का कुछ था नहीं और बेचारा बेकार में मेरे हत्या चढ़ गया। खैर जो भी है, हम यहाँ पर जो है कुछ मतलब ऐसे कर ही रहे थे छोटे छोटे किल, तब तो वहाँ पे वो बंदा लाशें बिछाया जा रहा था, तो हमने गन पीछे की और जितने स्पीड रेट में हो सके उतने स्पीड रेट में हम भागना चालू किए। तो बस ये है लाइट पबजी लाइट का मिलिट्री बेस एकदम नीचे की तरफ एक ही मैप में, जैसे वो दूसरा दूसरा आइलैंड जैसा होता है वैसा नहीं है। और ये देखो लाशें देखो, लाइन में बिछाई, मतलब बंदे ने ना ऐसा किया कि लौंडे खड़े हो जाओ अटेंडेंस दो अपना, या पाटे या पाटे या पाटे, तीन बंदे खत्म। खैर जो भी था भाई यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया पूरा, और शायद हमको लग रहा था कि यहाँ पे कोई था नहीं, तभी कॉल आया कि भाई मेन बिल्डिंग में बंदे हैं शायद। तो भाई जब शायद की बात हो ना हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेन बिल्डिंग में बंदे तक सुन ले तो हम भागने चालू कर दिए, और इन्होंने पेल पाल दिया किसी को। तो यहाँ पर तो जो था, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, यहाँ पर जो था पूरा क्लियर हो चुका था और बचे कुछ कुछ थे नहीं, तो हाँ पायलट प्लाजा बोलते हैं यहाँ वाले को, अब समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे एक बॉट दिख गया, बॉट फायरिंग की वजह से समझ गया कि बॉट है, और भाई भगवान के लिए इस लौंडे ने मेरे लिए एक किल छोड़ दिया। खैर जो भी था भाई एक किल भाई छोड़ तो दिया। तो हमने इस बॉट को मार दिया, यहाँ की लाशें वाशें थोड़ी देखी और खुद पे गर्व करने लगे, और तभी नीचे से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। तो क्या था भाई, जब फायरिंग करके हमको बुलाओगे तो हम तो आएंगे ना, तो हम गए। I do it.
अब हमको जो है एक अंदाज़ा हो गया था कि बंदे किधर है, और जस्ट मैंने स्पॉट किया था ये सोच के कार नाइट का एक शॉट मारूंगा, इस लौंडे ने पेल दिया। खैर एक गया तो गया, हमने दूसरे को पेल दिया, तो अब एक लौंडा बचा था ऐसा हमको लग रहा था जिसको मैंने स्पॉट कर लिया था। और भाई क्या ही हेल्थ खाया इस लौंडे ने मेरा, जस्ट बस एक HP या 2 HP बचा था मैं, नहीं तो मेरा उधर ही गेम ओवर था। खैर यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तभी मोक्ष भाई बोले कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है और भी बंदे हैं, तो क्या था ढूंढ के मारो। लेकिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमको उसका पोजीशन पता चल गया था, तो बस ख़त्म था उसका गेम वहीं पे, देखते जाओ कैसे। अब कॉल और मार्क आया था कि गाड़ी के पीछे है बंदा और मुझे दिख भी गया था, तो मैंने ये सोचा कि आप, मैंने इताची को ये बोला कि भाई तुम उसको बिजी रखना और मैं जो जाके रोटेशन मार के उसको मारता हूँ कैसे तैसे। यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट करने की कोशिश किया बट हुआ नहीं, तो बस तो यही सीन था कि अब हम जाएंगे रोटेशन मारेंगे, रोटेशन मार के जो है वो पूरा क्लियर करेंगे वहाँ पे एरिया, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि वहाँ पे कितने बंदे जिंदा हैं। तो जब रोटेशन मार ही रहा था तो उस लौंडे ने पूरा अच्छी तरह से स्मोक कर तो दिया था, लेकिन लौंडे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। देख रहे हो किल चोरी बोलते हैं इसको मुंह पे, मैंने उसको एक हेडशॉट दिया, हेडशॉट नहीं दिया तो बॉडी शॉट तो दिया ही दिया, ठीक है डैमेज पूरा मैंने दिया। ये लौंडे ने आके चुपचाप से नेट डाला और किल मेरे मुंह से उठा लिया। हैशटैग किल चोर। खैर जो है यहाँ पे वहाँ का पूरा एरिया क्लियर हो चुका था और हम बग्गी लेके आगे ढूंढने चले गए बंदों को, और जैसे यहाँ पर आए फायरिंग हो गई चालू हम पे। अब सीन ऐसा था कि हमको पता नहीं था कि बंदे हैं किधर, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा पहले बंदे को पोजीशन रिवील करने देते, मतलब होपफुली यार कुछ गलती वलती करे हम ढूंढ ढूंढ ले उसको, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन जो था हमको पता नहीं था। तो हमने जस्ट वेट किया कि यार एक बंदा कोई दिख विक जाए, एक को नॉक करे तो दूसरे पे रश करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा था। और हमने बहुत टाइम देखा इधर ढूंढने की कोशिश की, मैं बाहर भी गया अंदर भी आया, हर एंगल देखा, हर खिड़की से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रिज कोई घर दिखा नहीं। और तभी वहाँ पे एक फायरिंग हुई, मतलब यू नो फाइटिंग स्टार्ट हो गई, तब एक अंदाज़ा लग गया था कि वो सामने वाले उस लाल घर के आसपास ही कहीं होगा। अब कहीं होगा या उसी में है वो नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे एक घर नहीं था, वहाँ पे 2-4 घर थे। तो वी वर लाइक कि भाई काम करते हैं, बोर तो बहुत मार रहा है, तो काम करते रशिंग कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यही सोच के हमने जो है गाड़ी वाड़ी खोला, क्योंकि वहाँ पे वो फाइट आपस में चल रहा था, हमने सोचा कि थर्ड पार्टी करते हैं और हम निकले उसकी तरफ। तो हम जो है यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे थे, ये नहीं कि जाए डायरेक्ट जाके घुस जाए, हम उस कंपाउंड वो लाल घर के कंपाउंड के पास पास में जा रहे थे धीरे धीरे। और यहाँ से हमने सोचा था कि किसी एक को पहले नॉकआउट करेंगे एंड देन कंप्लीट रश करेंगे, और भाई वही हुआ। कते पट से पड़ी, पट से पता है मजा आ गया भाई ये शॉट के बाद ना, तुसा हेड दिखा के क्या ही पट से पड़ा। खैर जो भी था यहाँ पे वो बंदा हो चुका था ढेर, और भाई हमने निकाली गाड़ी और कर दिया रश। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए एक नेट डाल दिया, ये सोचे कि यार अगर रिवाइव देने आएगा तो पहले टपकेगा, और भाई मेरे नेट से वो जो बंदा था जो जिसको नॉक किया था मैंने वो हो गया कंफर्म किल, और बाकी का एक बंदे को हिताची ने ऊपर जाके फेंक दिया। तो यहाँ पर हो चुका था पूरा क्लियर, और यहाँ पे कोई बंदा था नहीं बचा, तो अब बारी थी भाई जाके कुछ और बंदों को ढूंढा जाए, और तभी फायरिंग वापस हम पे हुई। भाई नहीं एक बात बताओ, क्या चाह के बुलवाते हो हमको?
हालांकि यहाँ पे दो शॉट्स मिस कैसे हुए मुझे समझ में तो नहीं आया, शायद थोड़ा इधर उधर हो गया 1-2% या पता नहीं, लेकिन हमको पोजीशन तो पता थी। अब पोजीशन पता थी तो मार्क वार्क मारा, और शायद उनको जोन में भी आना था तो हमको कोई वैसा स्ट्रेस नहीं था कि हाँ भी मारना है। बस मैंने एक पे फोकस किया और नॉक भी किया, तो बचा उसका एक ही बंदा था जिसको भाई जब एक नॉक हो चुका रहता है ना तो बेटा तू बहुत कमज़ोर हो जाते हो, हमने जाकर रश कर दिया। अब वो लौंडा जो है ड्रॉप पर जा रहा था और गाड़ी के नीचे के पिल पाल गया। खैर यहाँ पे हो चुका था इन दोनों टीम, मतलब ये एक टीम का मतलब दोनों बंदों का खेल ख़त्म, और हम आ गए ड्रॉप लूटने। और जैसे ड्रॉप लूटने वाले थे ना पढ़ना चालू हो गया हम पे, और उस लौंडे ने गलती ये कर दी कि उसका पोजीशन उसने रिवील कर दिया और कतई पार्ट से पड़ा। खैर यहाँ पे भी हो चुका था ख़त्म, और अब सीन था कि 1v2 का, तो बस ये तो श्योर था कि भाई चिकन तो अपना ही है। बस हम पूरे जोन में बंदे ढूंढ ही रहे थे और तभी वो बंदा हमारे सामने आके प्रकट हुआ। और बूम्बा, कतई जहर चिकन डिनर। हाँ हाँ किलचोर 11 किल लेकर बैठे हो, 11 या 13 पता नहीं कितने थे, लेकिन मेरे 2 किल चुराए उसमें। यार जो भी था यहाँ पे कतई जहर चिकन डिनर हुआ। तो गाइस आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में, और कतई प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही डालो यार। और तब तक के लिए गुड बाय।